मैं आपको आज काल्पनिक हीलिंग के फायदे बताऊंगा, रेकी से या एंजल से। कैसे आप काल्पनिक हीलिंग करें किसी व्यक्ति की? सिंपल सी बात है, आप सामने जहां कहीं भी हो, आप बैठे हो या लेटे हो या आप खड़े हो या आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या आप जर्नी कर रहे हो या आप भोजन कर रहे हो या आप पार्टी में हो या आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, जब आप जाग रहे हो, सिर्फ जाग रहे हो, उस समय आप सो नहीं रहे हो, तो मानसिक कल्पना के आधार पर आप किसी व्यक्ति को कैसे हील कर सकते हैं? देखिए, आप उस व्यक्ति का चेहरा और पूरा शरीर अपने मस्तिष्क में लेकर आइए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बीच में आपको कुछ थोड़ा सा समय मिलता है, तो आपको किसी की हीलिंग करनी है, सामने विजुलाइज कीजिए अपने आसपास में कहीं भी जहां आप बैठे हैं या खड़े हैं कि वो व्यक्ति है और आप अपने आप को उसके सामने विजुलाइज कीजिए कि आप उसके सामने हैं। जैसे आप वास्तव में फिजिकली किसी व्यक्ति को हील करने के लिए अपने सामने उसे लेकर आते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो या डायरेक्ट हो, लेकिन अब यहां पे आपको स्वयं को भी कल्पना में लेकर आना है। जैसे सामने वाले व्यक्ति को कल्पना में लेकर आते हैं, उसकी बॉडी को, इनर बॉडी को लेकर आते हैं और उसकी क्लींजिंग करते हैं, फिर हील करते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी, अपने इनर बॉडी को भी सामने रखना है, थोड़े दूर पे रखना है और उस व्यक्ति को, उस क्लाइंट को भी सामने रखना है, यानी कि दोनों की इनर बॉडी वहां पे सामने कॉर्नर पर देखिए, देखना शुरू कीजिए इनर बॉडी को। और जैसे आप फिजिकली उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से कल्पना करते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर रेकी कॉल करते हैं, रेकी कॉल करके सिंबल बनाते हैं अपने थर्ड आई में, थर्ड आई में सिंबल बना के फिर उसे हील करते हैं, क्लींज करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसी तरह से आप इनर बॉडी के द्वारा उस व्यक्ति को सामने लीजिए। आप भी इनर बॉडी में रहिए, उसको भी इनर बॉडी में रखिए और आप माइंड मेंटली कल्पना कीजिए कि आप उस व्यक्ति को क्लींज कर रहे हैं, रेकी से हील कर रहे हैं और उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसके चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति को डायबिटीज है, तो आप हीलर हैं, आपने क्या किया कि सामने बैठा लिया और आप अपनी इनर बॉडी को भी बैठा लिया, आप उसी बीच में किसी से बातचीत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब फाइनली बीच बीच में आपको ब्रेक तो मिलती है बातचीत करने के दौरान, कहीं हैं, बैठे हुए हैं पार्टी में या कुछ भी, या घर में ही बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, तो आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर उसको कल्पना में हील करना शुरू कीजिए, यानी कि वहां पर आप अपने आप को बैठाकर, उस व्यक्ति को बैठाकर वही प्रोसेस कीजिए, सेम जो प्रोसेस आप सामने बैठा कर करते हैं या फिजिकली, फिजिक बॉडी में रहते हुए आप डिस्टेंस में किसी व्यक्ति की डायबिटीज को हील करते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को डायबिटीज है, तो आप क्या करेंगे कि आप भी इनर बॉडी में हैं और आप कल्पना करेंगे कि उसकी फुल बॉडी आपके थर्ड आई में आ गई है और आप सिंबल बनाना शुरू कीजिए, जैसे हम सजेशन से ही चौतरी, डाइकुली, जुनार, ये सारे सिंबल बना के ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट कीजिए और वापस आप उसके थर्ड आई पर अपनी इनर बॉडी से, इनर बॉडी के द्वारा थर्ड आई पर अपने दोनों हाथ रखिए, उसके उसके पेनक्रियाज एंड स्प्लीन पर हाथ रखिए और हार्ट चक्र पर हाथ रखिए, सोलर प्लेक्सस पे, सब बारी बारी से तीनों जगह पर हाथ रखिए और 5-5 मिनट तक हील कीजिए। मीन्स कि आप
कल्पना में हील कर रहे हैं, इसे काल्पनिक हीलिंग कहते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको का बहुत समय बचेगा, आप एक टाइम में दो काम कर पाएंगे या दो काम तो कम से कम आप कर ही लेंगे, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और उस क्लाइंट की हीलिंग भी हो जाएगी। तो इस मेथड को आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, आप करिए। इस मेथड पर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मैंने इसे शॉर्टकट में बताया है, आप इसे कितना समझ पाए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आप जब मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह से इसके बारे में समझा दूंगा। ये बहुत ही मिरेकल मेथड है, टाइम मनी एनर्जी सब बचेंगे और काम भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी की हीलिंग कर दी। उसी तरह से आर्क एंजल से भी आप यही प्रोसेस कर पाएंगे। कल्पना में देखिए, कॉल कीजिए उस व्यक्ति को, उसके लिए आपको अलग से समय निकाल कर बैठने की जरूरत नहीं है। तो कल्पना में आप उस व्यक्ति को सामने रखिए और आर्क एंजल से कॉल करके उसे हील करने के लिए लगा दीजिए रिक्वेस्ट। सम सारा प्रोसेस वही है, अलग से कोई प्रोसेस नहीं, बस यहाँ पर प्रोसेस ये करना है कि अपनी इनर बॉडी को उसके इनर बॉडी के सामने रखना है और फिजिकली आप कुछ और भी कर रहे हैं। ये है मिरेकल मेथड, आप इसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।